दोस्तों नमस्कार, कैसे हो सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज दिन सैटरडे का और आज डेट है 21 जनवरी 2023। और दोस्तों टाइम अभी हो रहा है शाम के बज चुके हैं 6:44। और मैं अभी आ चुका हूँ रोज की तरह जहाँ पर होता हूँ वहीं पे पहुँच गया हूँ, आपका मधु विहार की जस्ट रेड लाइट के पास में हूँ, सेक्टर 5 के पास में। और लास्ट ड्रॉप मैंने किया था टर्मिनल 1 एयरपोर्ट। एक्चुअली बुकिंग मिली थी कापासेड़ा से, लास्ट पिकअप था कापासेड़ा से, 10 रतपुरी की बुकिंग थी। बट पता नहीं क्या हुआ, मैडम जो बैठी थी उसने बोला भैया मैंने लोकेशन चेंज कर दी है, मेरे को आप टर्मिनल 1 मेट्रो स्टेशन छोड़ दो। तो मैंने सोचा उनका भाई पता नहीं क्या हो गया, मैंने कहा चलो कोई नहीं। पहले तो उसने बोला लोकेशन चेंज कर दिया, अब मुझे लगा यार कहीं लोकेशन इधर उधर की ना हो, अब घर जाने का टाइम है। तो लोकेशन मैंने डाली नहीं थी, गो होम डेस्टिनेशन वैसी आ गई थी अपने आप ही। तो मैंने कहा घर जाने का टाइम है, पता लगे इधर उधर बोलते तो उसको फिर मना करूंगा, मना करके उतारना पड़ेगा। क्योंकि भाई जब जिस टाइम हमारा टाइम होता है घर जाने का, तो हम एकदम से लोकेशन मिल जाए और फिर राइडर बोले कि उसको चेंज करनी है भाई, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ आसपास की होती तो मैं ज़रूर उसको बोल देता, पर उसने पहले ही उतर गई वो। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं भाई, टर्मिनल 1 उतर रही है। तो वहाँ से उतरी तो मैं आगे, मैंने घर की लोकेशन डालता ही हूँ मैं मैप में, तो मैंने मैप में डाली तो वहाँ से क्या है कि पालम के फ्लाईओवर से लेके आपका टूवर्ड्स जो सेक्टर 1 तक का पूरा ट्रैफिक है 18 मिनट का जाम था। तो मैं सोचा यार ये 18 मिनट का जाम, अच्छा मैंने कहा वो राइडर को 10 रुपये जाना था तो वो पिंक मेट्रो लेके निकल गई अपनी। तो ऐसे भी राइडर होते हैं भाई, एडवांस जिसे बोलते हैं कि भाई आप चलो ठीक है, इसमें क्या है कि अगर आप नहीं जा रहे होते तो आपका भी टाइम बच जाता उस जाम में आप फंसते। तो 17-18 मिनट के जाम में से यार मुझे तो आना ही था घर की तरफ, तो हम तो हमें डेली की आदत हो जाती है कि भैया अब जाना है तो चाहे जाम हो या कुछ भी हो हमें घर तो पहुंचना ही है। तो अभी आ गया हूँ मैं सेक्टर 5। और दोस्तों आज मॉर्निंग में मैं निकला था करीब 7:10 पे, आज लेट निकला 1 घंटा। तो लेट मतलब आँख लेट खुली थी जिसकी वजह से लेट हो गया था, फिर भी सैटरडे का दिन था तो इस वजह से काम भी कम था। सुबह मॉर्निंग में 10 मिनट बाद ही मतलब ट्रिप तो आ गई थी मेरे पास। पहली बुकिंग तो ऐसी पास की आ रही थी द्वारका की, मैंने नहीं ली। तो उसके बाद फिर मेरे पास सीधा बुकिंग आई आपका इधर की क्या कहते हैं आपकी ये जीके 2 की, वहीं पे गौरी गणेश अपार्टमेंट है, मतलब नेहरू प्लेस से आपका जो नेहरू प्लेस की मार्केट है उसके जस्ट अपोजिट साइड पे था ड्रॉप मेरा। तो वहीं पे मैंने ड्रॉप किया, वहाँ से मेरे पास एक तुरंत बुकिंग आई थी हडसन लैंड की, उसको मैंने पिकअप लिया हडसन लैंड का, फटाफट उनको छोड़ा। वहाँ से फिर मेरे पास सीधा बुकिंग आ गई टर्मिनल 3 एयरपोर्ट की। तो एयरपोर्ट लेकर आया, एयरपोर्ट छोड़ा उनको, एयरपोर्ट के बाद मेरे पास फिर टर्मिनल 3 एयरपोर्ट से ही बुकिंग आ गई। मतलब समझ नहीं आता, मतलब इतनी सारी गाड़ियां खड़ी रहती है उसके बावजूद वो एडवांस में मतलब मुझको देता, मेरा हमेशा का ये है। तो यही चीज़ होती है दोस्तों, आपकी अगर प्रोफाइल वगैरह सब ठीक हो और अगर आपकी कैंसिलेशन बिल्कुल कम हो तो ये आपको एडवांस एयरपोर्ट से बुकिंग देगा, चाहे वहाँ पर 400 गाड़ियाँ खड़ी हो 500 गाड़ियाँ खड़ी हो। मेरा एक्सपीरियंस ये है, मुझे जब भी मैं जाता हूँ, चाहे अभी भी मैं टर्मिनल 1 पे था, टर्मिनल 1 पे इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हुई थी दोस्तों, लास्ट ड्रॉप मैंने किया और मेरे पास आ रही थी उत्तम नगर की बुकिंग बिना लोकेशन डाली। बट क्या है कि उत्तम नगर की कहाँ जाना है वो उसने टाइमिंग बता रहा था 76 मिनट। तो 76 मिनट बहुत ज़्यादा थे और इसी वजह से मैंने कहा मेरा घर है द्वारका के अंदर और मैं उत्तम नगर जाऊँगा, पूरा रस वाला एरिया है, उसमें भी कहाँ कौन सी गलियों में जाना है कस्टमर को तो नहीं पता, मैंने स्किप कर दी। मैंने कहा यार छोड़ो इस चीज़ को और अब घर जाना है तो खाली चले जाओ, क्योंकि देखो राइड तो आपका 24 घंटे आती रहेगी, ऐसी ऐसी लोकेशनों की आएगी कि आप पक जाओगे इतना, तो एक लिमिट होती है शरीर को भी मतलब गाड़ी चलाने की। तो अभी देखो टाइम अभी हो रहा है आपका 6:48 हो चुके हैं, 7:10 पे निकला था तो 12 घंटे तकरीबन हो गए हैं। और बैक टू बैक बुकिंग करी है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करी, तो ये लगा लो कि उसके बाद मैं एक सेकंड मैं ये रेड लाइट क्रॉस कर लूँ ज़रा, क्योंकि ये राजापुरी की रेड लाइट है, बड़ी खतरनाक है थोड़ी सी। ये हो गई क्रॉस, केस में थोड़ा सा एकदम से बंदे भगाते हैं येलो में, तो ये राजापुरी की रेड लाइट कर ली है मैंने क्रॉस। तो दोस्तों टर्मिनल 3 एयरपोर्ट से मेरे पास एडवांस में ही आ गई थी, मतलब एडवांस क्या ड्रॉप करती ही आ गई थी राइड बहादुर शाह जफर मार्ग के ITO के पास की।
तो ITO मैंने छोड़ा, ITO जहाँ से छोड़ा वहीं से फिर बुकिंग आ गई चाणक्यपुरी यशवंत पैलेस की। तो यशवंत पैलेस जिनको छोड़ा फॉरनर थे, मतलब ऐसी थे फॉरनर, बोल रहे थे पांच राइडर बैठा लो, मैंने कहा पांच बुक हैं, आई कांट पॉसिबल सर, नॉट अलाउड। तो मैंने मना कर दिया उन्हें, तो कह रहे एक्स्ट्रा पैसे ले देना, मैंने कहा नहीं 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 एज पर रूल। तो मैंने उन्हें मना किया, फिर मना करके एक लेडीज को, मतलब वो या तो ऑटो में आई होगी। तो यशवंत पैलेस छोड़ने के बाद मेरे पास तुरंत आ गई बुकिंग बदरपुर बॉर्डर टोल की। तो मैंने कहा यार टोल के पास की, मैंने आती तो हरियाणा की आ जाती, फरीदाबाद की आ जाती। तो मैं उसकी लोकेशन में, वो चाणक्यपुरी में पे हमारा को हॉस्पिटल है आपका, तो वहीं से बुकिंग थी। तो उससे पूछा तो उसने बोला यार मुझे भैया टोल की तो डाली है लोकेशन पर अंदर जाना है। मैंने कहा अंदर कहाँ जाना है? कह रहा है नहर वाले रास्ते पे जाना है फरीदाबाद। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, वो लोकेशन ऐड कर दो। तो लोकेशन ऐड कर दी, फिर वहाँ पर मैं फरीदाबाद नहर वाले पता नहीं कौन सी जगह है, पीली भीत या ऐसी कुछ था नाम। तो वहाँ मैंने छोड़ा, वहाँ छोड़ के फिर मेरे पास तुरंत ही जहाँ पर छोड़ा दोस्तों वहीं से 138 मिनट की बुकिंग आई आपका ये बकरवाला की। तो बकरवाला मतलब मैं सोचा था लंच करने के लिए, लंच मैंने किया ही नहीं, कर ही नहीं पाया। तो दो घंटे में बकरवाला छोड़ा, 683 रुपये उसमें मिल गए मेरे को। वहाँ से छोड़ के फिर मैंने लंच किया, बुकिंग तो आ रही थी मेरे पास, उनका पता नहीं कहाँ कहाँ से स्किप करी छोड़ी मैंने। तो छोड़ के फिर मेरे पास एक आई कापाचड़ा की, वो भी छोड़ दी। मैंने कहा लंच कर लेता हूँ पहले, उसके बाद देखूंगा, घर पास में ही है 10 किलोमीटर, मैंने कहा या तो घर निकल जाऊंगा। तो फिर दोबारा कापाचड़ा की मेरे पास आ गई, तो मैंने उठा ली कापाचड़ा की। मैंने कहा चलो कोई नहीं उठा लेता हूँ कापाचड़ा, तो वहाँ से फटाफट आ ही जाऊँगा, गुड़गांव नहीं जाऊँगा, सैटरडे का दिन है, गुड़गांव से ट्रिप आएगी नहीं, बेकार में घुसूंगा टोल के चक्कर में, कोई फायदा नहीं है। तो फन एंड फूड विलेज के पास में ही छोड़ा, वहाँ से फिर ये दशरथपुर की राइड आ गई थी। तो दोस्तों पूरा बैक टू बैक बुकिंग करी है आज, और काम ठीक ठीक हो गया, मतलब जितना चाहिए उतना हो जाता है, और आप जितनी कोशिश कर लो जितना होना होगा, आपके नाम पर आज लिखा होगा खाते में कि आपका वही खाते में आज जितने पैसे ऐड होने हैं तो उतने ही ऐड होंगे चाहे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उबर के बारे में। उबर में एक छोटा सा अपडेट देना है, शायद काफी भाइयों को पता भी है और काफी को हो सकता है नहीं पता हो, बट इस चीज में धोखा खा रहे हो कि भैया मतलब मजे आ गए हैं कि ऐसा नहीं करना पड़ेगा हमें। तो क्या चीज नहीं करनी पड़ेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। जो भी भाई उबर में गाड़ी चलाते हैं उन्होंने आप यहाँ पर आपने देखा होगा जहाँ पर आपकी प्रोफाइल फोटो लगी हुई है वहां पर तीन ऑप्शन आते हैं, एक आपका आता है रेटिंग, दूसरा आता है आपका एक्सेप्टेंस रेट, तीसरा आता है कैंसिलेशन रेट। तो आजकल अभी एक हफ्ते से देखने में आया है, मैंने भी गौर नहीं किया था, अभी गौर किया है कि जो एक्सेप्टेंस रेट था वो गायब हो गया बीच में से, सिर्फ आपका रेटिंग और आपकी कैंसिलेशन बस वो दिख रही है। तो इससे क्या है कि काफी ड्राइवर भाई को ये लग रहा है कि एक्सेप्टेंस रेट का वो इसने फटा हटा दिया है, ठीक है। तो अब जितनी मर्जी आप बुकिंग कैंसिल करो या कुछ भी करो, तो इसमें मतलब कैंसिल नहीं स्किप करो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। पहले ही मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि ओला में बुकिंग पास करने पे कैंसिलेशन में काउंट कर रहा है। तो वही चीज है कि दोनों कंपनियां एक दूसरे की वो है, जो चीज ओला करती है वही चीज उबर करने लग जाती है, जो उबर करती है अपडेट वही चीज ओला करने लग जाती है। तो आप भी सतर्क रहिए, काफी भाइयों की आइडिया बंद हो रही है, ओला में 28 दिन के लिए बंद हुई है। तो अगर आप भी उबर की बुकिंग्स स्किप करते हो, देखिए मैं मोस्टली करता हूँ 2 या 3 बुकिंग, लगातार नहीं करता कि लगातार मैंने 5 बुकिंग छोड़ दी हो, 2 बुकिंग छोड़ दी, तीसरी मैं उठाता हूँ। तो सुबह से जब निकलता हूँ तब तो कोशिश यही रहती है कि जो बुकिंग आ जाए, और सैटरडे वाले दिन जिस दिन काम ना हो उस दिन आप सोचो कि काम मतलब बुकिंग्स जिस दिन काम नहीं हो उस दिन तो आप सोच लो कि जो भी बुकिंग आ रही है आप उठाओ, वो बेस्ट है, ठीक है। और अगर आप सोचोगे कि बुकिंग स्किप करते जाए अब तो ऑप्शन हट गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन आपको देखना नहीं आ रहा है। अगर आप देख रहे होंगे आपकी प्रोफाइल में जहां पर आपके पॉइंट्स बनते हैं, पॉइंट्स पे आप क्लिक करोगे ना टोटल पॉइंट्स पे, तो वहां पर आपको सारी चीज दिख जाएगी, वहां पर आपका एक्सेप्टेंस रेट भी आ जाएगा दोबारा से,
प्रोफाइल में से अभी जहाँ पर उस साइड है उस उधर से गायब हो रखा है, बट आपका दूसरी साइड जहाँ पर पॉइंट्स जुड़ रहे हैं ऊपर आपके प्रोफाइल वाले जहाँ पर गोल्ड ब्लू डायमंड के वो दिखाते हैं पॉइंट्स के, इतने पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं वहाँ पर, ये पूरी की पूरी तीनों चीज़ शो हो रही है। तो जिस भी भाई को ये लग रहा है कि मतलब ऊबर ने हटा दिया इसके करने वाला ऑप्शन, तो नहीं हटाया दोस्तों, वो बस वहाँ से हट गया है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ घर के पास और मैं आज का आपको काम बता देता हूँ कितना मेरा काम है, जितना भी काम है। और दोस्तों आज का मैं काम आपको बता देता हूँ आज का टोटल काम मेरा कितना हुआ है। और सुबह मैं निकला था 7:15 बजे, अभी 7 बज चुके हैं, तकरीबन 12 घंटे हो गए हैं। बैक टू बैक बुकिंग करी है, कहीं रुका नहीं हूँ, थोड़े देर के लिए 15-20 मिनट के लिए रुका हूँ, बट जो भी काम हुआ है वो आपके साथ शेयर जरूर करता हूँ। तो आज का काम आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2252 रुपये का मेरा आज का काम है, जिसमें से मुझे जो टोल मिला है वो मिला है आपका 200 रुपये का टोल है, 230 रुपये समथिंग का टोल है मेरे पास मिला है। तो एक ही बार गया हूँ, फरीदाबाद गया था, फरीदाबाद से वापस आ गया, तो 200 रुपये का ये टोल है, 230 रुपये का टोटल 2252 और 230 रुपये, 230 आपका हो गया 2400-2500, आप राउंड फिगर मान के चलिए। आज का काम मेरा 2500 रुपये का है, 2500 रुपये में जो मैंने दोस्तों CNG डलवाई थी वो सुबह डलवाई थी, करीब 600 कुछ रुपए की डलवाई थी, 605 रुपए समथिंग की ऐसी कुछ आई थी, सॉरी 496 रुपए की डलवाई थी मैंने CNG आज, और वो पूरी की पूरी रेड पे आ रखी है। तो 496 में से मेरे पास पहले की भी पड़ी थी, तो 200 रुपए की पहले की थी, 400 ये 600 रुपए की मेरी CNG तकरीबन लग गई है, तो 90 रुपीज की मेरे पास अभी CNG पड़ी हुई है रेड पे, जस्ट अभी अभी आई है। तो दोस्तों काम हुआ है आपका 2500 रुपए में 600 रुपए की CNG आ गई है। 600 रुपए को हम पहले तो हम टोल को निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है, 200 रुपए टोल को हम हटा लेते हैं, 2300 रुपए का काम है, 2300 रुपए में 600 रुपए हम CNG के निकालेंगे, तो बचे 1700 रुपए, और 1700 रुपए में से 200 रुपए दोस्तों गाड़ी की मेंटेनेंस फिटनेस परमिट, गाड़ी के टायर वायर सब चीजें मैं डेली के 200 रुपए निकालता हूँ। तो आप ये लगा लीजिए 2300 में से 600 CNG के चले गए, 1700 बचे, 1700 में से 200 रुपए CNG इसके मेंटेनेंस के निकाल दिए, तो आज की इनकम जो निकल के आई है वो 1500 रुपए की है दोस्तों। 1500 रुपए में मेरे को किसी को कुछ नहीं देना है, ये मेरी प्रॉफिट है। और इसी में अगर आपकी नई गाड़ी है तो आपकी नई गाड़ी की EMI इसमें निकलेगी, उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आप कितना निकाल सकते हो। तो ये अर्निंग मैं 12 घंटे की बता रहा हूँ, 12 घंटे के बाद भी आप चलाओगे तो वो आपकी एक्स्ट्रा इनकम होगी, बट एक लिमिट होती है शरीर की चलाने की, तो 12 घंटे से ज़्यादा आप दिल्ली का ट्रैफिक नहीं झेल सकते। यंग हो नए हो तो आप 14-14 घंटे चलाओगे थोड़े दिन, उसके बाद फिर आपको पता चल जाएगा रोड के हाल, दिल्ली की सड़कों के हाल, और दिल्ली का ट्रैफिक के हाल, दिल्ली के गलियों के हाल, दिल्ली के राइडर का हाल, सब चीज़ आपको मिलेगी देखने को। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, जितना आप लाइक करोगे वीडियो को उतनी वीडियो आगे पहुँचेगी, और शेयर भी कर देना दोस्तों, और थोड़ा सा प्यार मेरी फेसबुक पेज पे अगर देखते हो तो उसको भी फॉलो कर दिया करो, उसको शेयर कर दिया करो, जितना आप शेयर करते हो उतनी वीडियो आगे भाइयों के पास पहुँचती है जो जानना चाहते हैं एक्चुअल में ओला उबर में काम कितना हो रहा है और कितना काम हो जाता है, और कौन सी गाड़ी लेने में फ़ायदा है, किस गाड़ी से काम अच्छा होता है, नई गाड़ी लेके चलाने में फायदा है, पुरानी गाड़ी लेके चलाने में फायदा है, डिजायर में कितना काम हो रहा है, वैगनार में कितना काम हो रहा है, सारी की सारी वीडियो मैंने डाली हुई है डिस्क्रिप्शन पे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक वाइज वीडियो लगे हुए हैं। और आपके कुछ भी कमेंट्स है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, मैंने नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करिए, मैं लिंक दूंगा, उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, या वीडियो में लिंक दे रखे हैं मैंने, काफी वीडियो में लिंक डाले हुए हैं उसमें, आप ग्रुप में आपको ये फायदा हो जाएगा दोस्तों, 350 से ज्यादा ड्राइवर भाई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ भी समस्या होती है आप वहां पर अपने कमेंट्स रख सकते हैं या आप मुझे डायरेक्ट कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल, कल है दिन संडे का, कल अगर निकला तो डेफिनेटली आपको मेरा ब्लॉग आएगा, वरना मैं कोशिश करूंगा टाइम निकाल के अगर लाइव आया, क्योंकि अभी मैं लाइव आ नहीं पा रहा दोस्तों, 2-3 दिनों से थोड़ा सा ये था टाइमिंग सेट नहीं हो पा रहा, तो जब भी टाइम मिलता है तो डेफिनेटली मैं आपके पास लाइव आता हूँ। तो दोस्तों कल देखूंगा, अगर टाइम मिला तो जरूर आऊंगा, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेनिंग पे, टिल देन बाय बाय।